हेलो, किधर हो? मैं अभी यही हूँ और अब जा रही हूँ कालाबाग पॉलिटिकल गॉसिप के साथ अपडेटेड रहो, समझ आइए। अगर किसी उसमें यूज करनी हो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या वैसे इन योर कॉन्वर्सेशन। एक तो ये है कि ये जो हारिस स्टील वाले नहीं आए हुए, ये हमीद खान, हाँ, ये हारिस स्टील वालों के पास जो ये चार्लीज नहीं है, वो हमारे तोहफे टू पाकिस्तान, चार्लीज का तुम्हें पता है कौन है ना? कौन है? चौधरी शुजात और परवेज इलाही, टू चार्लीज। इनका एक बंदा है बाय द नेम ऑफ भट्टी, ठीक है। इनका एक बहुत करता धरता, इनका ये मुंशी टाइप है भट्टी, जो इनकी सारी ये छोटी मोटी डील्स और सब कुछ करता है। इन्होंने ये हारिस स्टील वाले उस बाप बेटे के पास उसको भेजी, इनका नाम ना लें और मुख मुका कर लेते हैं पैसों की। तो उन्होंने बहुत उसको बुरा भला कहा भट्टी को, ये सब कुछ परसों रात को हुआ। और उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो मूना सिलाई का नाम लेंगे, मूना सिलाई का नाम इसमें ऑलरेडी आ रहा है, एंड नाउ ही इज गोइंग टू बी टेरिबली एक्सपोज्ड एज फार एज बैंक ऑफ पंजाब इज कंसर्न वेरी सून, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो वापस इनके पास गया, फिर वो भट्टी गया और उसने इनको जान की धमकियां दी और उसने कहा कि वील हैव यू किल्ड इन दिस, और ये पंजाबी है, तुम जाओगे कहाँ और हम तुम्हें जेल में मरवा देंगे। फिर इन लोगों ने ट्रांस को कांटेक्ट किया। ट्रांस पता है कौन है? वो दो जिनके सर पे बाल लगे हुए हैं ना, एक वो बिग ट्रांस और एक वो छोटा ट्रांस। अच्छा, ओके, फिर उसने छोटे ट्रांस को कांटेक्ट किया और कहा कि ये हमें मरवा रहे हैं। अब ये स्टोरी जो है ये बहुत जल्दी ओपन होने लगी है और वो ट्रांस आर गोइंग टू कम ऑन वेरी हार्ड ऑन द चार्लीज, ठीक है। वो ट्रांस तो पहले ही कह रहे हैं कि एनआरओ भी चौधरी को बेनिफिट करने के लिए मिला था। अच्छा, जो वो जो एक लिस्ट है ना, जिसमें जो पहले जो लिस्ट एक दफा पब्लिश हुई थी और उसके बाद फिर वो उसके ऊपर बिल्कुल इट वाज ऑल स्मॉदर्ड और उसको बिल्कुल उन्होंने छुपा दिया था, विच वॉजंट एनआरओ, लेकिन वो लोन डिफॉल्टर्स की लिस्ट थी, वो मैं तुम्हें भिजवा दूंगी, जिसमें लोगों के लोन्स राइट ऑफ हुए हैं, उनमें चार्लीज के बहुत ज्यादा लोन्स थे जो राइट ऑफ हुए। वही तो शबाज लगा रहा था सारा वक्त। तो अब शबाज को ये हारिस स्टील मिल गया और अब उसको वो हमीद खान मिल गया, ठीक है ना। तो अब वो अपनी प्रॉपर विक्टिमाइजेशन जो वो करते हैं, वो दो हॉरिबल ट्रांसेस, वो उस पे आ गया और अब चार्लीज के लिए दिस इज अ टफ टाइम, ठीक है। दूसरा ये है कि मुशर्रफ ने 30 करोड़ रुपए एक बहुत छोटे से बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ, तुम उसको जानते हो? हाँ, उसको दिए हैं एंड ही इज प्लानिंग टू मेक अ कमबैक। और वो जो छोटा बैरिस्टर है वो डेनमार्क में है, देन ही इज कमिंग बैक, और वो समझ रहा है कि वो लोग मुशर्रफ को रिसीव करेगा बैरिस्टर विद अ लॉट ऑफ पीपल विद दोस 30 करोड़। आई डोंट नो कि वो कौन लोग होंगे। और इन द मीन टाइम दुरानी उसके पैसे लेके भाग गया है बहावलपुर और वो अमेरिकन एजेंडा फॉलो कर रहा है वहां पे ऑफ स्मॉलर प्रोविंसेस, और वो इसके एनजीओ को जो है वो लोग फंड कर रहे हैं फॉर ये स्मॉलर प्रोविंसेस की। ये टिपिकल होता नहीं है ये गोरा सीन की अवेयरनेस और प्रिंट मटीरियल ब्ला 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 ब्ला, तो वो उस पे लगे हुए हैं। तो ही इज यू नो ऑन एन एजेंडा एक्चुअली गिवन बाय द अमेरिकन्स, दिस इज 100%। यानी तुम्हारा जो एडमायरर था दुरानी, गलत बयानी, तुम्हारा एडमायरर? नहीं, मेरा एडमायरर नहीं है, बिकॉज वो गे है, वो एक सेफ शेपरॉन था, नॉट एडमायरर, ठीक है। हाँ, ओके, हाँ। और तुम्हें ये तो पता ही है ना कि वो उसको भी मुबारक दे दो ना, उसको शामी को, बिकॉज वो सरदार खान न्याजी से काफी कुछ देर पहले केस जीत के और अब पाकिस्तान अखबार वो ही पब्लिश कर रहा है इस्लामाबाद से भी। एक्सेलेंट, ये तो बड़ी खुशी हुई है, मैं अभी कॉल करता हूँ शामी को। हाँ, सरदार खान न्याजी इज स्लीज बैग ना, इतना घटिया आदमी है, यू नो ही इज राइट फ्रॉम द पिट्स। So he is now out of a newspaper, so he'll have to have another newspaper to start blackmailing people, which is going to take him another 2 years. Take care.
YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।